हेलो एंड नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं फ्री में से को यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज हम जानेंगे कुछ वेडिंग एल्बम डिज़ाइन के बारे में। तो मैंने ये बहुत सोचा, उसके बाद मैंने बहुत सारी वीडियो यूट्यूब पर देखी तो कुछ लोगों ने तो बहुत अच्छे तरीके से समझाया, लेकिन कुछ लोगों ने स्पीच नहीं दी, बस ऐसी करके दिखा दिया। तो यहाँ पर आज बात कर लेते हैं 12x36 एल्बम कैमरा एल्बम जो होती है उसके डिज़ाइन की बात कर लें, तो वो कैसे होती है या आप अपने घर बैठे कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में आज हम कुछ बात करने वाले हैं। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा और इजीली आपको समझ में आ जाएगा, तो इसमें इतनी बड़ी बात नहीं होगी। यहाँ पर मैंने फ़ोटो जो है वेडिंग फ़ोटो नेट से उठाए, यानी कि इंटरनेट से लिए, क्योंकि वैसे किसी के फ़ोटो दिखा नहीं सकते हैं, वो अच्छा नहीं होता है किसी के भी फ़ोटो ऐसे शेयर करना, ख़ासतौर से नेट पर। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। इसमें मैं फोटोशॉप CS2 का यूज़ करूँगा, और सबसे पहले अगर बात कर लें तो हम एक प्लेन सीट लेंगे जो कि 12x36 का साइज होगा। तो उसके लिए आपको Ctrl+N दबाना होगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे डिफ़ॉल्ट जो है पिक्सल सेलेक्ट रहता है, यानी यहाँ पर आपको इंचेस सेलेक्ट कर लेना है। और यहाँ पर आप 200-300 रेजोल्यूशन 100 तक की, और मेरे ख्याल से 200 रखिएगा बस, 200। और यहाँ पर आप इसकी हाइट कर सकते हैं 12, और इसकी वाइट कर सकते हैं 36। तो ये 12x36 की एक सीट आपके सामने आ जाएगी, ये देखिएगा, ये आगे, ठीक है। अगर आपकी लाइनिंग नहीं आ रही है, जैसे कि मैं आपको बताया था ये ऊपर ये लाइनिंग जो आ रही थी, इसको आप Ctrl+R करके ला सकते हैं, Ctrl+R, ठीक है। और यहाँ से आप एक लाइन खींच के लिखाइए इस तरह से, और यहाँ पे इसको 18 पर ला के छोड़ दीजिएगा। अब बात कर लेते हैं, ये फुल स्क्रीन ऐप से आप हटा सकते हैं इसको, ऐप दबाएँगे तो फुल स्क्रीन पर जाएगा, फिर से दबाएँगे तो ब्लैक आ जाएगा, उसके बाद दबाएँगे तो ये पूरी यहाँ पर सीट दिखाई जाएगी। तो आप सबसे पहले इसकी बात कर लेते हैं कलर की। अगर आप कलर इसमें लेना चाहें तो Ctrl+U करके आप काफ़ी अच्छे कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये प्लेन कलर होगा, इसके अंदर कोई ज़्यादा डिज़ाइन वगैरह नहीं होगा, यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं। और अगर बात कर लें, एक टूल है G, ये टूल आप इसको लेके किसी भी टूल को आप सेलेक्ट करते हैं, एग्जांपल फॉर ये कर लो, कोई सा भी पेन टूल कर लो, रेजर कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब आप उसको सेलेक्ट करते हैं तो राइट क्लिक करेंगे ना तो उसकी सारी ओरिजिनलिटी दिख जाती है, यानी उसमें क्या ऑप्शन है क्या नहीं है। तो यहाँ पर हम जी टूल सेलेक्ट करते हैं और राइट क्लिक करेंगे तो ये बहुत सारे इसमें कलर हैं, यहाँ पर अपने कुछ आप खुद अपने कलर बना भी सकते हैं। तो मैं आपको ये कर दिखाता हूँ कि मैंने सेलेक्ट किया और यहाँ से ला के इस कोने से ला के छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह से कलर दिखाई देगा, और भी इसमें बहुत सारे कलर, और आप अपने खुद भी बना सकते हैं। यहाँ से ला के यहाँ छोड़ेंगे ऐसा बनेगा, यहाँ से ला के यहाँ छोड़ेंगे तो ऐसा बनेगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो दोस्तों, तो मैं बात करने वाला हूँ, हम इसमें कोई कलर ऐसे चूज़ नहीं करेंगे, आपकी इच्छा, आप किस तरह से चूज़ करना चाहते हैं कलर, लेकिन मैं इसमें आपको एक चीज़ दिखाने वाला हूँ। सबसे पहले आप जो है गूगल क्रोम में जाइए, तो यहाँ पर आप, एक सेकंड, खुलने में थोड़ा समय ले रहा है। यहाँ पर आप गूगल पर सर्च कीजिएगा ब्लर बैकग्राउंड, एक सेकंड, थोड़ा समय ले रहा है एक्चुअली, वो थोड़ी स्लो है। यहाँ पे इमेज सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर आप लिखिएगा ब्लर बैकग्राउंड, लेंगे खाली बैकग्राउंड, और बैकग्राउंड यहाँ पर लिखिएगा, और यहाँ पर आपको बहुत सारी बैकग्राउंड मिल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं ये। तो यहाँ से आपको जो पसंद आया वो उठा लीजिएगा, यहाँ से आप इसको उठा लीजिएगा। एग्जांपल फॉर मैं इसको लेने वाला हूँ, मैं आपको यहाँ पे एक डेमो के तरीके पर बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप थोड़ा समय दे के उसमें काफ़ी अच्छे से आप उसको डिज़ाइन कीजिएगा ताकि बहुत बेस्ट लगे,
जब आप करने लगेंगे तो आपको बहुत धीरे धीरे समझ आ जाएगा और हम बहुत अच्छे से फ़ोटो डिज़ाइन कर पाएंगे। तो चलिए मैं इसको उठा के फोटोशॉप में ले आता हूँ यहाँ से। ये गया होगा हमारा डाउनलोड में, ये रहा। सॉरी दोस्तों, पता नहीं क्या हो रहा है। ओके, ये यहाँ से हम इसको उठा के ला के यहाँ पर छोड़ देते हैं, इसको बड़ा करते हैं, यहाँ पर छोड़ देते हैं। अभी आप इसमें अभी आप जाइएगा, पहले इसको एडजस्ट कर लीजिएगा ठीक से। और अभी आप जाइएगा फिल्टर में, जाने के बाद ब्लर में जाएंगे आप। ब्लर में जाने के बाद आपको यहाँ पे बहुत सारे ब्लर ऑप्शन मिल जाते हैं, तो मैं यहाँ पे बॉक्स ब्लर करने वाला हूँ। तो ये देखिएगा, आप जितना ब्लर चाहते हैं उसको ब्लर कर लीजिएगा। उसके बाद अगर बात कर लें फ्रेम की, फ्रेम अगर आप चाहते हैं वेडिंग फ्रेम, यहाँ पर आप गूगल पे सर्च करेंगे वेडिंग फ्रेम, वेडिंग फ्रेम। ओके, तो यहाँ पर आपको काफ़ी सारे फ्रेम देखने को मिल जाते हैं। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अच्छे से अच्छा ही लें। ये फ्रेम कुछ अच्छा नहीं है दोस्तों, हम मेन वाली बना लेते हैं, कोई नहीं। तो अगर आप बात कर लें फ़ोटो की, तो ये फ़ोटो मैंने कुछ कट कर लिए हैं, कटिंग कर ली है। कटिंग में बहुत ज़्यादा समय लगता है, मैंने इसलिए ऑलरेडी कटिंग कर ली है। तो अगर बात कर ली जाए, ये फ़ोटो है, सबसे पहले हम इस फ़ोटो को लगाएंगे यहाँ पर। तो थोड़ा समय ले रहा है खुलने में, सिस्टम थोड़ा हैंग हो रहा है। ये फ़ोटो है, सबसे पहले हम इसको लगाएंगे यहाँ पे, लाके छोड़ देंगे इसको। बाकी जो भी हिस्सा बचता है नीचे का, उसको आप ई टूल से इरेज कर दीजिएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब ई टूल सेलेक्ट, कोई भी टूल सेलेक्ट राइट क्लिक करेंगे तो वहाँ पर आपको बहुत सारे ऑप्शन उसके मिल जाते हैं। यहाँ पर 300 पर सेलेक्ट करके आप इसको इरेज कर सकते हैं। पी के बराबर में दो छोटा बड़ा करने के इसको बटन होते हैं, वहाँ से आप इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। बात कर रहे हैं अब तो यू टूल सेलेक्ट करेंगे। यू टूल सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जाएंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी सारे आइकन दे रखे हैं, और वैसे तो काफ़ी और लोड कर लेते हैं, यानी बना बने हुए होते हैं। यहाँ पर हम इसमें दिल सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर कुछ इस तरह से हम इसको सेलेक्ट करेंगे। सॉरी, यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे कुछ इस तरह से, और बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल एंटर करेंगे, कंट्रोल जे करेंगे, फिर इसको हम कर देंगे वाइट। ओके, अब इसको कंट्रोल के साथ जो पी के बराबर दो बटन होते हैं एंटर के ऊपर, उससे आप ऊपर उठा के लेकर आइए, ठीक है। उसके बाद आप इसको इधर लेकर आइए दिल को, और यहाँ पर जो है आप इसको ठीक से देखिएगा। बात कर लें तो थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं, मैं आपसे ये बताना चाहूँगा क्या फलाएंगे हम इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। तो दूसरा फोटो लेकर आते हैं, फोटो मैंने कट किया था ये वाला,
खुल रहा है, थोड़ा समय ले रहा है, ब्लैक साइज को थोड़ा सही कर लेते हैं। कंट्रोल एम करके लाइट करेंगे, थोड़ा ब्लू बढ़ाएंगे, थोड़ा सा रेड काटेंगे, कम करेंगे सर, थोड़ा करना ज़्यादा नहीं। उसके बाद कंट्रोल एल करेंगे, फिर से थोड़ा लाइट करेंगे, थोड़ा कंट्रास्ट डालेंगे। ओके, ये जे टूल है जिसमें यूज़ करता हूँ, जे दबा के आप इसको इसके जो पिंपल्स हैं हटा सकते हैं। बी टूल सेलेक्ट करके ओपेसिटी आपको रख लेनी है 20 और फ्लो रख लेना है 30, और यहाँ पर आप बी टूल से सिलेक्शन लेकर अच्छा से फेस को क्लीन कर सकते हैं। बनाऊंगा मैं आगे वीडियो, आपको एक एक बात समझाऊंगा, पूरी सीरीज चलाऊंगा फोटोशॉप की, लेकिन पहले मैं देखता हूँ क्या रिज़ल्ट आता है इस वीडियो को। अगर इसमें कमेंट्स में आप नीचे बताइएगा, मेरे को बताएंगे आपको, मैं ज़रूर सीरीज स्टार्ट करूँगा और बेसिक से बहुत अच्छे से आपको मैं समझाऊँगा फोटोशॉप के बारे में। यहाँ पर इसको पाइप दबा के सबसे पहले इसका कलर चेंज करते हैं यहाँ से। ओके, मैं रेड कलर रखने वाला हूँ। इसके बाद आप इसका लोड सिलेक्शन लीजिएगा, दिल को सेलेक्ट करके ओल्ट एस दबाएंगे, ये लोड सिलेक्शन कर लीजिएगा। यहाँ पर फैदर दीजिएगा आप, ओल्ट एस एफ से फैदर देना है आपको। यहाँ पर तकरीबन 150 का एंटर कर लेना है, उसके बाद इसको सेलेक्ट करना है और यहाँ से फिर इसको डिलीट कर देना है। ओके, थोड़ा इसको ठीक है, और अगर बात कर लें, मैं आपसे एक बात बार बार बोल रहा हूँ, ये मैं आपको डेमो के तौर पे दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही है सीटी ये, लेकिन जब मैं आपको सिखाऊंगा अच्छी तरह से बताऊंगा पूरी वीडियो में, तो मैं आपको अच्छे से बताऊंगा कि कैसे कैसे आप क्या कर सकते हैं। ये तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, मैं देखता हूँ रियल्ड कैसा आता है, रियल्ड अच्छा आता है तो मैं आगे से वीडियो बनाऊंगा और काफ़ी अच्छे अच्छे तो आपको समझाऊंगा। मैंने काफ़ी वीडियो बनाए हैं और क्लीन के फ़ोटो कैसे क्लीन कर सकते हैं और कैसे आप इसको ब्लैक फ़ोटो को भी अच्छा कर सकते हैं, जो कि बहुत ब्लैक फ़ोटो होते हैं। अगर आपको मतलब कुछ भी इसके अंदर पसंद आए तो आप मुझे कमेंट्स करके बताएं, मैं पूरी सीरीज स्टार्ट करूँगा फोटो, और आपको प्रॉमिस करता हूँ पूरी एक मतलब मैं डिज़ाइन करना सिखाऊँगा आपको, वेडिंग एल्बम या फिर फ़ोटो क्लीन करना सिखाऊँगा, सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊँगा। लेकिन उसके लिए क्या है, आपको ये तो मैंने आपको एक डेमो के तौर पे दिखा दिया बस, क्योंकि मैं इसमें देख रहा हूँ काफ़ी अच्छा वर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन फिर भी मैं इसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिल जाएगा आपको, जो हमने डिज़ाइन किया है, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर पाएंगे, कोशिश कर सकते हैं, बना के देख सकते हैं। लिख भी सकते हैं वेडिंग INGसेरेमनी। ओके, कलर चूज़ कर सकते हैं, यहाँ से बहुत सारे कलर हैं, स्टॉक दे सकते हैं, चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, बाकी और अगली वीडियो में मैं समझाऊँगा आपको कैसे आप इसको कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।